हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो व्यूअर, चलिए देखते हैं कि आज आपके पर्सन अपनी लाइफ में किस तरह से अपनी लाइफ को ले रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। तो चलिए देख लेते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स, आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आप अपना मैसेज यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, ओके। और ये रीडिंग को आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं। चलिए देखते हैं उनकी एनर्जी आपको लेके क्या है, उनकी करंट एनर्जी डिवाइन प्लीज़ बताएं, करंट एनर्जी क्या है उनकी। सो वी हैव केयरिंग कनेक्शन एंड दी अटैचमेंट, ठीक है। तो चलिए टैरो से देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ है प्लीज़ वो हमें बताएं। क्या है इनके पर्सन के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके आज, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, सो वी हैव दी हैरियोफेंट। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड, वी हैव वर्ल्ड, फूल, पेज। ठीक है, देखिए व्यूवर्स, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूँ टॉरस की राशि यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए प्रोमिनेंट आई है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, मेष सिंह धनु राशि हमारे पास आया है, लियो यहाँ पर प्रोमिनेंट है, टॉरस यहाँ पर प्रोमिनेंट है, कैप्रिकॉन और कन्या राशि यहाँ पर प्रोमिनेंट निकल के आई है। तो ये कुछ राशि फिलहाल प्रोमिनेंट है यहाँ पर, मैंने आपको बता दिया। अगर मेजर में अगर मैं बात करूँ तो टॉरस, ठीक है, लियो, कैप्रिकॉन और वर्गो, ये राशि प्रोमिनेंट है। तो आपके पर्सन व्यूवर्स, मुझे आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अभी आपसे फ़िलहाल आपकी तरफ इनका झुकाव है, आपकी तरफ इनका अटैचमेंट भी नज़र आ रहा है, ठीक है, आपसे कनेक्टेड भी नज़र आ रहे हैं। आप कहोगे कि दी ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा मुझे। देखो, जब आप कहते हो ना पॉसिबल नहीं है तभी वो चीज़ें पॉसिबल हो जाती है, मुझे तो ऐसे ही लगता है आप लोगों के साथ में। क्योंकि यहाँ से भी देखो डोर टू पर्सनल हीलिंग का कार्ड आया है, यानी आपके रिलेशनशिप में अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अब बात क्या हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्यों ये फील कर रहे हैं आपकी तरफ एक झुकाव? क्योंकि ये जो पर्सन है ना व्यूअर्स, आपके ये पर्सन ऐसे हैं, जब तक ये किसी चीज़ को फील ना कर ले, जब तक एक्सपीरियंसेस ना ले लें, जब तक ऑब्जर्व ना कर लें कि क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, जस्ट ट्रायर एंड एरर। आपने सुना होगा कुछ लोग होते हैं ट्रायर एंड एरर करते चले जाते हैं अपनी लाइफ में, जो गलतियां करेंगे, गलतियों से सबक लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फिर उनको एहसास होता है, मतलब बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी चीज़ को जाँचे परखे, ये कभी किसी चीज़ को सेटिस्फाई नहीं होते आपके पर्सन, आपको पता होगा। तो इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स, मुझे आपके रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है, इन्होंने आपके साथ में भी हो सकता है रिश्ता रखा हो, और कुछ लोग इनके लाइफ में या तो पहले से हों आपके लाइफ में, या फिर आपके आने के बाद में रहे हों। लेकिन ये जो थे, ये आपके पर्सन व्यूअर्स को चीज़ इसी तरह के, देखो मैं सिर्फ उनकी सच्चाई बता रही, आप उसको, मैं बहुत कैजुअल लेने की कोशिश करी सो दैट मेरे पर ये बर्डन ना हो और आप इस रीडिंग को बहुत स्मूथली समझ सको, राइट। अब ये जो पर्सन है व्यूअर्स, यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं, मतलब आपका रिश्ता छोड़ के ये आगे बढ़े, एक जर्नी इन्होंने स्टार्ट की, चलते गए, इनको लाइफ में और भी लोग मिले, कनेक्टेड हुए, देखा उन्होंने, आपका एक्सपीरियंस था इनके पास में कि आप कैसे हो, यानी फर्स्ट एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो मे बी हो सकता है कि इनके आप फर्स्ट लव रहे हो, या फिर फर्स्ट रिलेशनशिप इनका अगर किसी के साथ में बना हो तो वो आपके साथ में बना हो। एज ए डीप डाउन जब हम जाते हैं किसी चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, है ना, तो आपके पर्सन ने व्यूअर्स क्या करा इस जर्नी में, क्योंकि ये उनके थॉट ऑफ एक्शन नज़र आ रहे हैं, क्या ये आगे चले, लोगों से कनेक्ट हुए, इन्होंने उनको आपके साथ में कंपेयर किया,
अब उनके एक्शन को आपके साथ में कंपेयर करा तो इनको लगा कि नहीं, इसमें कुछ कमी है, क्योंकि ऑलवेज हम अपने पास्ट से ही अपने प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं, है ना, राइट, यही बात होती है। अब आपके पर्सन व्यूवर्स ये चलते गए, और लोग मिले और उसे कंपेयर किया, नहीं सेटिस्फाई हुए, आगे बढ़े, तो इनको वो सेटिस्फैक्शन मिली ही नहीं जो आपसे मिली थी इनको, है ना। तो अब जाके मतलब इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने स्वाद कहीं ना कहीं, जैसे कि होता है ना, खाना है आपके सामने, अब आपके सामने तरह तरह के 56 भोग आ गए, अब डिश आ गई। मैं देखो किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, जस्ट मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है जितना डीप रिलेशनशिप आपसे हुआ कितना उतना डीप रिलेशनशिप किसी और से हुआ हो, ये मैटर नहीं करता यहाँ पे। मैटर क्या करता है, मैटर करता है आपकी जो यहाँ पे केयर है, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन है भाई, एक दूसरे की केयर यहाँ पे शामिल है। मे बी आपने इस पर्सन को ऐसे संभाला जस्ट लाइक अ चाइल्ड, बच्चे को तरह संभालते ना, बच्चा क्या करता है, बच्चा कदम कदम पे गलतियाँ करता है, लेकिन क्या कहते हैं, जो हम गार्जियन होते हैं वो बच्चे को संभालते हैं। तो आपका रोल ना एक हर वास्ट रोल है, तो यहाँ पर आप बहुत रूप में इनको अपनी लाइफ में संभाल रहे हो, जिस लाइक कि आप इनको अगर कोई इनको गलती करे तो आप इनको गाइडेंस भी देते हो, अगर ये कहीं पर उदास हो जाए तो आप इनको मोटिवेट करने का काम भी करते हो, अगर ये कहीं पर लॉस करते हैं तो आप इनको सपोर्ट करते हो कि नहीं मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, समथिंग लाइक, मतलब एक फुल सपोर्ट अगर किसी से मिल सकती थी तो वो आपसे मिल सकती थी, जो इनको कहीं और नहीं मिली। तो यानी आप एक ऐसे पर्सन रहे हो जिसने इनकी मन की बात, इनकी सिचुएशन बिन कहे समझी और इनकी मदद भी कर दी। बेशक आपके पर्सन ने उस मदद को समझा नहीं हो, उसको इम्पोर्टेंस ना दी हो, उनको एहसास भी नहीं हुआ हो कि आप इनके लिए क्या क्या कर रहे हो, उस समय भी इनको एहसास नहीं हुआ। क्यों एहसास नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इनको लगा कि हर एक इंसान ऐसा ही होता है, जैसे आप हो ना, इनको लगा कि हर एक इंसान आपके जैसा ही होता है, ये क्वालिटी होती है। तो इन्होंने वही एक्सपीरियंस को लेके ही अपनी लाइफ की इन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी। अब ऐसी जर्नी में व्यूअर्स देखो, ये बात तो तय है कि हाँ यहाँ पर आपके साथ में एक रिश्ता टूटा है, मतलब धोखेबाजी तो हुई है। अब जब धोखेबाजी हुई है कहीं ना कहीं, तभी तो उसमें हीलिंग हुई, यानी कुछ टूट फूट आपके रिलेशनशिप में हुई है, इसीलिए यहाँ पे हीलिंग नज़र आ रही है। और हीलिंग के नीचे देखो क्या कार्ड आया है, हैप्पी फैमिली का। तो आपका रिलेशनशिप व्यूअर्स अब कहीं ना कहीं मुझे ऑन द ट्रैक आता हुआ नज़र आता है, इस पर्सन के एज पर थॉट, जो इनके थॉट हैं उनके हिसाब से। क्यों, क्योंकि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, अब ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेके, बहुत मतलब क्या था, जीरो लेवल से स्टार्ट किया था इनके पास में, जब इनके पास में कुछ भी नहीं था, ठीक है, जो जीरो लेवल से उठे, आगे बढ़े बहुत कुछ। अब इन्होंने समझ लिया कि संसार कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं, लोग हमेशा वैसे नहीं होते हैं जैसा कि इनका पहला अनुभव रहा है। तो इन्होंने अब समझ लिया कि नहीं, मुझे वही रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा लगता था, यानी कि आपकी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती थी एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, क्योंकि हर कोई इनके साथ में भी वैसे ही जुड़ा, ठीक है, कि जैसे ये थे। अब समझो आप यहाँ पे, अब देखो व्यूवर्स, एक रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि हर एक से रेजोनेट हो, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेट बैठती हैं कि आपको आपकी लाइफ हिस्ट्री यहाँ से पूरी पता चलती है। तो आपको सिर्फ सिचुएशन बेस देखना चाहिए, कभी कोई रीडिंग आपसे मतलब बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होगी, कभी कभी कोई रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट इतनी होगी कि आपको पर्सनल रीडिंग तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में व्यूवर्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो यहाँ पे सिचुएशन निकल के आती है वो ये दिखाती है कि फ़िलहाल आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब हो सकता है कि आप भी इनका अभी भी वेट कर रहे हो, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इस पर्सन का अभी भी वेट कर रहे हो, लेकिन समवेयर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है, मे बी इस समवेयर एक डाउट सा ये आता है कि अभी कोई बात आपके रिलेशनशिप में ऐसी हुई है, मे बी आपकी वजह से, आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी बातें हुई हो, या फिर जाने अनजाने कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप में घट गया हो जिसकी वजह से वो आपके पर्सन आपकी तरफ जो ओवरकम करके आना चाहिए वो स्टक नज़र आते हैं, ठीक है। या तो हो सकता है कोई ऐसे ये रिलेशनशिप में फंस गई हो किसी के साथ में, राइट, जैसे कि कहते हैं ना, हम कोई कनेक्शन बन गया हो इनका, या फिर किसी के साथ में ये इन्होंने मैरिज भी कर ली हो, कुछ लोग लिए ये भी कहूँगी कि ठीक है, मे बी आप इनका वेट करें और ये कहीं ऐसे रिलेशनशिप में जाके फंस गए हैं कि जहाँ से ये निकल के आ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ हद तक ये बात जाएगी, लेकिन ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि अगर आप इनका वेट कर रहे हो व्यूअर्स, तो ये जो पर्सन है अभी फ़िलहाल कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और ये एक्शन काफ़ी बड़े लेवल पे है, क्योंकि ये जो बड़ा लेवल है ना, ये आपके पास में आने को है, यानी हीलिंग और हैप्पी फैमिली को लेके है।
तो ऐसे में ये डिसीजन इतने क्विकली नहीं ले सकते आपके पर्सन, मुझे मतलब ऐसे नहीं झटपट लिया काम किया बस जैकपॉट लग गया काम खत्म, नहीं ये लाइफ का सवाल है। अब लाइफ का सवाल है तो इंसान सोच समझ के डिसीजन लेगा, है ना, ये लेगी जो भी है। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आता है। अब ये देख रही हूँ मैं, इस एनर्जी को क्लेरिफाई करती हूँ कि ये जो अटैचमेंट आया है यहाँ पे ये किस वजह से है और क्या ये ब्लॉकेजेस का काम कर रहा है या क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्लेरिफाई कर लेते हैं, ये अटैचमेंट की एनर्जी डिवाइन प्लीज़ बताएं क्या दिखाती है यहाँ पे। ये काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, अटैचमेंट किस चीज़ से है क्या काम कर रहा है ये। थैंक यू वेरी मच। देखो यहाँ पे अटैचमेंट इस वजह से है, इन्होंने अभी रिसेंटली हो सकता है कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में एक बहुत ही बुरे फेज से निकले हों। देखो हर्मिट है यहाँ पे, तो हर्मिट कभी कभी मतलब इंसान को गुमराह भी हो जाना दिखाता है, यानी पथ भ्रष्ट हो जाना, कहते हैं ना आप लोग, आपको समझ में आता होगा कि जब इंसान के मन में या उसके आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाए कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ना सुन सके, या उसको अगर कोई रास्ता भी दिखा रहा है तो वो उस पर चलने से हिचकिचाए, क्यों, क्योंकि उसके पास में कुछ ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस अब इकट्ठे हो गए हैं कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कुछ नया करने को लेके, राइट। तो ये व्यूअर्स एनर्जी यहाँ पर आती है कि इनके पास में अभी या तो इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनके पास में इन्होंने बहुत कुछ खोया दिया है। तो जब खो दिया है, क्योंकि देख रहे हो पहली एनर्जी यूनिवर्स ने हमें यहाँ पे दी कि ये जो पर्सन है ये इस एनर्जी में है, यानी रिग्रेट है, खो के बैठे हैं, बहुत कुछ इनके लाइफ में से चला गया है और ये अपनी लाइफ में मतलब कुछ हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि आप इनका वेट कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे ज़रूर वेट कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है आप लोग वेट ना कर रहे हो, लेकिन अगर ये आप इनका वेट कर रहे हो और इनको भी पता है कि कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं, पर एक लैकिंग नज़र आती है हिम्मत की कि भाई ये जो पर्सन है इसकी हिम्मत टूट चुकी है, इसको एक्सपीरियंसेस भी कुछ ऐसे मिले हैं अपनी लाइफ के अंदर जहाँ पर इसने देख लिया कि इसको इसको ऐसा फील हो रहा है। मे बी आपको भी ऐसा फील होता हो कभी कभी कि रिश्ते आजकल लोग मतलब के लिए बनाते हैं, है ना, तो इसको भी ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं आपके पर्सन को, इनको भी फील होने लगा कि रिश्ते अब सब मतलब के लिए होते हैं, ठीक है, कि इनको जो भी मिला है वो आपके बाद में ऐसे ही मिले लोग, मतलब ही कहीं ना कहीं मतलब पैसे से कनेक्टेड हैं या फिर समवेयर लाइक कुछ ऐसा ही है। तो अब ये इसी वजह से हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, एक लैकिंग है, एक हिम्मत टूट जाने की, बाकी और कोई लैकिंग मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आती है, हिम्मत टूटी हुई है और यही ब्लॉकेजेस का आपके लिए काम कर रहा है। तो समवेयर इसको हम अगर हम कहें कि इनको अगर इस सिचुएशन से कैसे निकाला जाएगा, तो इनसे या तो इनसे कोई बात करें, ठीक है, इनको मोटिवेट करें, क्योंकि इनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, इनको कोई हिम्मत दे, ताकत दे कि आप अगर आगे बढ़ोगे तो आप ये सब चीज़ अचीव कर सकते हो, इनको विश्वास नहीं हो पा रहा है और समवेयर लाइक कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है, ये हीलिंग, ठीक है, पर्सनल हीलिंग ये ज़रूरत है इनको। और ये हीलिंग कैसे मिलेगी, या तो आप इनसे बात करो या कोई इनका फैमिली फ्रेंड हो वो इनसे बात करे इस रिलेशनशिप को लेके और इनको एक नेगेटिविटी से बाहर निकाले, सो दैट ये अपनी ज़िंदगी इस तरह से मतलब जी सके, राइट, ये इनको मिल सके। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं रह गई है, मतलब कोई खुशी नहीं है, अकेले पड़ गए हैं, तन्हा पड़ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं, देखो व्यूअर्स, देखो जो आया मैंने आपको वो बताया, आई डोंट नो कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ है, लेकिन 100% मेरी तरफ से तो ये एनर्जी जाती है और ये पर्सन ऐसा ही सोच रहे हैं कि इनको इनको लग रहा है कि आप भी इनके साथ में पता नहीं अब वैसे कनेक्टेड हो नहीं हो, क्योंकि ये आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, आई डोंट थिंक सो ये आपके बारे में जानते हैं। अगर ये आपकी मन की भावनाएं जान रहे होते, आपके लिए इनके ये आपसे कनेक्टेड होते, तो ये बहुत जल्दी क्विकली एक्शन ले लेते आपके पर्सन, ठीक है, मतलब इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि आपसे आके ही बात कर सके, क्योंकि इनके मन में इतना डर कहीं ना कहीं बैठ गया है, ठीक है, इसे डर ही कहेंगे, डर के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, डर को मतलब ये नहीं कि आपको कोई मार देगा या फिर आपसे कुछ मतलब छिन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, डर के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, यानी आपने जो पहले एक्सपीरियंसेस लिए हैं आप उसके लेवल पे अपने आने वाले फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट करने लग जाते हो, क्योंकि आपके पास में पहले एक्सपीरियंसेस इतने बुरे रहे हैं तो आप हिम्मत नहीं जुटा पाते कोई नया एक्शन लेने की। तो आपके पर्सन भी फिलहाल वही कर रहे हैं कि ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, इनको हीलिंग तो चाहिए ही चाहिए,
ठीक है। तो ये व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग है, आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अगर नहीं किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना रीडिंग आपके लिए कितनी रेजोनेट हुई है। और मैं एक जो मैंने आपके लिए बोला था पार्ट टू कल की रीडिंग के लिए, वो भी मैं लेके आऊँगी, ठीक है, तो उसके लिए वेट करना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।